हरे कृष्णा, जय श्री राधे। मेरे चैनल उद्घट लड्डू गोपाल में आप सबका स्वागत है। न्यू ईयर आ रहा है और नए साल पर हम अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्त को, अपने फैमिली मेम्बर्स को कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर देते, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी गिफ्ट दूंगी। और किसे दूंगी? हमारे मंदिर, हमारे गाँव में जो मंदिर है राधा कृष्ण का, तो मैंने राधा कृष्ण जी के लिए न्यू ईयर पर एक नई पोशाक बनाने का सोचा है। मैंने सोचा तो दिवाली पे था कि मैं दिवाली पे उनके लिए एक नई पोशाक बनाऊंगी, बट उस टाइम कुछ मैं मतलब नहीं बना पाई थी, तो मैं अब न्यू ईयर पर उनके लिए पोशाक बना रही हूँ। एक बहुत ही प्यारा कलर है जो काफ़ी टाइम से मेरे माइंड में है कि मैं इस कलर की पोशाक बनाऊंगी, तो उसी से मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भी पोशाक बनाऊंगी। तो आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। सर्दी आ गई है तो मुझे लड्डू अपने माधव के लिए भी कुछ इनर वगैरह खरीदने, तो कुछ गर्म कपड़े खरीदने, मैं वो भी लेके आऊँगी। और मुझे जो ड्रेस बनानी है उसके लिए मैं एक अच्छा सा फैब्रिक लेके आऊँगी, और कलर बहुत ही प्यारा है, वो कलर मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और जब ड्रेस कंप्लीट हो जाएगी तो मैं वो भी आपको दिखाऊँगी। तो चलिए चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। हम आ गए दुकान पर। दुकान के बाहर की साइड ही हमें देखने को मिल गए थे वेलवेट के बंडल। काफ़ी कलर की वेलवेट यहाँ पे रखी हुई थी, दो तीन कलर की प्रिंटेड वेलवेट भी थी, कलर काफ़ी अच्छे थे। दुकान के अंदर जाने के बाद हमें काफ़ी वैरायटी के फैब्रिक देखने को मिला था। और ये इस साइड काउंटर था, लेस वगैरह जो हमारी होती है इनका, मैंने लेस वगैरह सारी चीज़ें ले ली थी जल्दी से जो मुझे कपड़ों पर लगाने के लिए चाहिए। उसके बाद हम एक दूसरी दुकान पर गए, वहाँ से मैंने ली लड्डू गोपाल जी के लिए ये इनर। सर्दी ज़्यादा आ गई, अब जनवरी में सर्दी ज़्यादा आ जाएगी, तो उस मुझे कपड़ों लड्डू गोपाल जी की पोशाक के नीचे पहनाने के लिए उनके लिए इनर लेना था। इनर लेने के बाद मैंने काफ़ी सारे कपड़े देखे, उसमें मुझे पसंद आई ये वाइट कलर की जैकेट, पैंट और कैप का कॉम्बो, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने अपने बाबू के लिए ये भी ले ली। हम आ चुके हैं घर पर और धूप निकली हुई थी, तो हम बैठे हैं सबके सब धूप में। हमारे साथ में हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे, हल्की हल्की सी धूप में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये बैठे हैं मेरे माधव, और ये अभी हमने इन्हें पानी पिलाया। और देखो अनार लेके आ रहे थे, तो कैसे आते ही अनार लेके बैठ के अभी हम इनके धूप में कपड़े निकाल देते थोड़े से। हाँ तो सुबह सर्दी नहीं हो रही थी, इसलिए परा रखे थे। देखिए अब भी तो हल्की सी लगी, अब भी तो बाबू को अच्छे से धूप लगेगी। ये माधव देखिए मम्मी क्या कह रही, इनको इतने सारे कपड़े पहनाने से मना करी ने। मैं ले लूँ उसे, चलो मैं आपका अनार अभी छील के दूंगा आपको। अनार हमने छीले और ये हमने डाल दिए काला नमक। लो माधव आप खान, आगे आपके अनार छील के लो। अपने माधव को तो मैंने अभी सुला दिया, उन्हें खाना खिला के दोपहर का अच्छे से। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैं जो कपड़े लेके आई हूँ और जो चीज़ें मैं लेके आई हूँ जिससे मैं राधा कृष्ण और अपने लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाऊँ। राधा कृष्ण जी की ड्रेस के लिए मैं ये कपड़ा लेके आई हूँ। ये देखिए इसका कलर और इसका पैटर्न, मुझे डिज़ाइन पैटर्न जो है वो काफ़ी अच्छा लगा था। ये इसकी ड्रेस बन के काफ़ी प्यारी लगेगी, मैं ये लेके आई थी। देखो कितना प्यारा कलर लग रहा है, ये आप वाइन कलर या फिर डार्क पर्पल कलर, जो भी मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं इस कलर को, बट जो भी है मैं ये वाला कलर बहुत टाइम से सोच रही थी लेने के लिए राधा कृष्ण जी की पोशाक के लिए, तो मैंने ये इस कलर की ये कपड़ा लेके आई हूँ। इसी से मैं ड्रेस बनाऊँगी राधा कृष्ण की, और ये इसी के साथ का है प्लेन कपड़ा। इससे मैं राधा का दुपट्टा बनाऊँगी, क्योंकि मतलब ये तो इसके साथ का मैचिंग का हो जाएगा। और ये मैं लेके आई थी नेट, मैं इस बार राधा रानी के दो दुपट्टे बनाऊंगी, एक तो ड्रेस के मैचिंग का हो जाएगा सेम, और एक ये हो जाएगा सेम इसी से थोड़ा सा मैच करता हुआ। इस पे इस वाली नेट पे लगाऊंगी मैं ये वाली लेस,
वाले दुपट्टे पे मैं लगाऊंगी ये सिल्वर वाली नेट, क्योंकि इस पे जो कपड़े पे जो वर्क है, सितारे वगैरह जो लगे वो इससे मैच करे, तो मैं इसके मैचिंग का ही ये दुपट्टा बनाऊंगी और एक ये हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे राधा कृष्ण जी और हमारे लड्डू जी की ड्रेस के लिए कपड़ा जो मैं बनाऊंगी। और ये दो ड्रेस मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भी लेके आई हूँ, बनी बनाई मतलब रेडीमेड लेके आई हूँ। ये इनर है बाबू के लिए, अब सर्दियाँ जनवरी में सर्दियाँ ज़्यादा हो जाएंगी तो उनको ड्रेस के नीचे पहनाने के लिए इनर। मेरे पास ऑलरेडी दो और है इनसे अलग जो मैं लास्ट ईयर लेके आई थी, इस साल भी मैं एक और ये लेके आई हूँ। मैं सोच रही थी दो लेके जाऊंगी ऐसे, तो फिर मैंने दुकान वाले से पूछ लिया कि कुछ और आइटम भी आए हुए क्या अलग से, तो उन्होंने मुझे ये दिखाया, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये जैकेट है, ये जैकेट है इसकी, और ये इसकी पैंट है, और ये इसका इसकी कैप है। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनका कॉम्बो। मैं इसमें रेड कलर के लिए, रेड कलर लेने के लिए सोच रही थी कि रेड कलर का मिल जाएगा, तो मैं इसे लड्डू बाबू को अपने माधव को 25 तारीख को क्रिसमस के दिन पहनाऊंगी, बट मुझे रेड कलर में नहीं मिला और एक हल्का ग्रीन सा कलर था वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे सिर्फ ये ब्लू कलर ही अच्छा लगा इसमें, तो मैं ये लेके आई थी। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आज है मोक्षदा एकादशी और आज है मेरा एकादशी का व्रत, काफ़ी भूख लग रही है, हम कुछ खा पी लेते हैं। इस जो फैब्रिक मैं लेके आई, इस फैब्रिक से मैं बहुत ही जल्द ड्रेस बनाऊंगी, क्योंकि नियर पे मुझे लड्डू गोपाल जी को और अपने राधा कृष्ण जी को पहनानी है ड्रेस, तो जल्द ही बनानी होगी। इसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।